हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज इंद्री में पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता के फार्म हाउस पर पहुंचे। यहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कार्यकर्ताओं को पार्टी के लिए जी जान से काम करने का मंत्र दिया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि यह सरकार जन भावनाओं के अनुरूप काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद यह कहा था कि जनता ने भाजपा के खिलाफ वोट दिया है, इसलिए भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले सभी सियासी दल एकजुट होकर सरकार बनाए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन बिल कानून बन चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी इस पर बवाल हो रहा है। सरकार को इस मामले में उठ रहे सवालों का जनता को जवाब देना चाहिए। शंकाओं का समाधान करना सरकार का कर्तव्य बनता है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की दोगुनी आय करने के दावे के सवाल पर बोलते हुए कहा कि किसानों को फैसलों के उचित दाम नहीं मिल रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है और ग्रोथ रेट कम हो रहे हैं। किसानों की लागत बढ़ने से उन्हें पर्याप्त भाव ना मिलने के कारण किसानों की आर्थिक हालत खराब हो रही है। अब किसानों की ग्रोथ 2% है, यदि यह ग्रोथ रेट 15% होगी तभी किसानों की आय दोगुनी होगी। पूर्व सीएम ने भाजपा जजपा गठबंधन को घोटाले की सरकार बताते हुए कहा कि खनन व धान घोटालों की सीबीआई जांच से दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा, दाल में काला है और किसानों को सरकार न्याय नहीं देना चाहती, इसी वजह से धान घोटाले की जांच नहीं कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका का निर्वाह करेगी। हम विरोध करने के लिए काम नहीं करेंगे, सरकार यदि अच्छा कार्य करेगी तो उसकी प्रशंसा भी करेंगे, लेकिन अभी तक तो सरकार ने कुछ किया ही नहीं है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अभी तक इस सरकार ने तय नहीं किया, यह सरकार दिशाहीन सरकार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जेजेपी और भाजपा की सरकार 5 साल चले, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। इंद्री से संवाददाता अमित सरोहा की रिपोर्ट। एक प्रोसीजर है, 1 तारीख से एनरोलमेंट शुरू करेंगे, उसके बाद जो भी होगा चुनाव होगा, ब्लॉक के प्रधान का भी जिला के प्रधान का भी हो जाएगा। कब तक संभव? मेरे ख्याल में अब 1 तारीख से शुरू करेंगे, मार्च तक हो जाना चाहिए। मीनवाइल जहाँ जरूरत होगी वो कार्यवाहक नियुक्त करेंगे, लेकिन अभी जिला के अध्यक्ष, ब्लॉक के अध्यक्ष, सारी कार्यकारिणी चुनाव के प्रक्रिया के बाद ही बनेगी। अभी टाइमिंग आपने कुछ कंटेनर बना रखे थे मेरे ख्याल में। हाँ, वो तो मतलब ऐसे है ना, कार्यवाहक कार्य करने के लिए। अच्छा जी, अभी सरकार जो है, मौजूदा सरकार जो है दिशाहीन सरकार है। अब इनके अलग अलग बयान आते हैं, कोई तो कहता है धान घोटाले की जांच होनी चाहिए, कोई मंत्री कहेगा कि कोई घोटाला नहीं है, फिर जांच हो रही है। हम ये कह रहे हैं भाई सीबीआई के द्वारा करा दो, और माइनिंग के घोटाले की जो कैग ने भी लिखा है उसके लिए हमारी मांग है भाई सीबीआई के कराओ या हाईकोर्ट के जज से करवाओ, किसी से जांच तो कराओ। लोग इस बात का सवाल पूछ रहे हैं, रोज ये सवाल उठ रहे हैं, तो प्रजातंत्र में तो अधिकार बनता सबका, लेकिन सरकार जांच क्यों नहीं करा रही ये वही बता सकते हैं। दाल में काला, ये स्थिति क्यों आई? जब हम शुरू से कह रहे हैं उसी टाइम सरकार सतर्क होती और अपनी जिम्मेवारी निभाती तो ये स्थिति नहीं आनी थी। अभी काम ही शुरू नहीं किया, अभी तो इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं आया। जो इन्होंने कहा था भाई हम चुनाव होते ही सरकार बनते ही गठन करते ही, हालांकि ये अलग अलग दिशा के राजनीतिक अलग अलग सोच के गठबंधन हुआ है ये, लेकिन उन्होंने कहा था भाई हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तुरंत देंगे, अब तक तो कोई नजर आया नहीं। जब तक कोई प्रोग्राम ही नहीं आएगा तो किस दिशा में सरकार जाएगी, ना आपको पता ना मेरे को पता। ऐसा कोई बात आई नहीं, वो चुनाव के जिस दिन चुनाव गिनती हो रही थी उस दिन की बात थी। मैं कहा भाई अगर जो जिसने जितने भी विरोधी दल हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ वोट दी हैं वो सब एक हों, सरकार बन जाती है। मेरे को नहीं पता स्टेट लीडर ने कहा किया ही, मेरे को तो इन्होंने बढ़ने के बाद सरकार बनने के बाद 6 साल में मेरे ख्याल में 20 रुपया बढ़ाया, जबकि हमारे लागत तो बढ़ा दी है। गन्ने की या खेती की जो है लागत तो बढ़ गई है, आमदनी नहीं बढ़ी। अब जिस प्रकार से खाद है
खाद कितना परसेंट, 24% तो इस इसमें बढ़ गया, पिछले 8 महीने में बढ़ गया खाद का भाव। डीजल है, डीजल का जो हमारे समय में वैट 9% था, ये 18% लगा रहे हैं। पेस्टिसाइड्स पे हमारे समय में कोई टैक्स नहीं था, ये इस पर टैक्स लग गया इनका। स्पेयर पार्ट्स पे कोई टैक्स नहीं था, ट्रैक्टर से उस पर लग गया, खाद पर लग गया, तो टैक्स पे टैक्स लगा के लागत तो बढ़ा दी, लेकिन भाव उचित नहीं मिल रहा किसान को। और जिस प्रकार से जो वो सूरजमुखी पैदा कर रहे हो, कोटे फिक्स कर रहे हैं कि 1 एकड़ में इतना ही देगा, बाकी कहाँ लेके जाएगा किसान। इसी प्रकार से गेहूं के बारे में भी ऐसे विचार चल रहा है कि वो करो, तो किसान के तो आज बर्बादी के कगार पे पहुंचा हुआ है, कर्जे में डूबा पड़ा है। तो सरकार कर देखिए, ने कहा है कि किसान की हम आमदनी दुगनी करेंगे। पीछे 1.5 साल की बात होगी, मैं गया था वहाँ, जब इन्होंने कहा पिपली मंडी में, वहाँ किसान को मैंने खुद, वो किसान मिला मेरे को, रसीद मिली मेरे पास, जो 9 पैसे किलो आलू बेच के गया, तो 2022 में 9 का 18 पैसे कर देंगे तो दुगनी आमदनी नहीं होगी। आमदनी दुगनी किसान की जब हो सकती है, जब उसकी लागत के अनुसार लागत जमा 50% मुनाफा दिया जाए, जो स्वामीनाथन ने कहा था, तो सोच सकते हैं। लेकिन ये तो मतलब वो तो MSP तो बढ़ा ही नहीं रहे, जितनी लागत के हिसाब से MSP नहीं बढ़ा रहे, महंगाई के हिसाब से MSP नहीं। महंगाई को कंट्रोल में रखने के लिए सबसे बड़ी मार देश के किसान को पड़ रही है, कि उसको उचित भाव नहीं मिल रहा। आज एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ है वो 2% भी नहीं है, जबकि दुगनी आमदनी के लिए तो कम से कम 15-16% ग्रोथ होगी, तब दुगनी आमदनी की बात हो सकते हैं आप, 2% भी नहीं तो क्या? तो आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं, आज किसी सारे किसान भाई होंगे, इनसे पूछो कितनी इनकी लागत है, कितनी आमदनी है, इनको MSP भी नहीं मिल रही। ये तो हकीकत है, अब धान की फसल आई थी, हाँ MSP नहीं मिल गई है, मजबूरन किसान डिस्ट्रेस सेल मजबूरी में जो है सस्ता बेचना पड़ा उसको। देखिए वो तो मैं उसके बारे में जब कहूँगा कि इनकी कौन मिनिमम प्रोग्राम आ जाएगा, तो लोकसभा में भी पास हो गया, राज्यसभा में एक कानून बन गया। लेकिन मेरा ये कहना है, जो सवाल उठे हैं उस टाइम, उसके बारे में सरकार को जवाब देना चाहिए। शुभकामनाएं हैं, सरकार चलाएं ये, और जो वायदा पूरा किए हैं लोगों से, जो वायदा करके वोट लेके आए हैं, सारे दल जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरी शुभकामनाएं आई है, मेरी शुभकामनाएं हैं कि सरकार चलाएं ये और अपना वायदा पूरा करें। तो उनसे पूछो क्या आप क्या मांगते हैं? मैं तो कहा मेरी तो शुभकामनाएं हैं, जो वायदा किया वो पूरा करें। देखिए मैंने कहा ना भाई, जो भी वायदा करके आएंगे पूरा कर दें, कोई बात नहीं, हम कहते हैं अच्छा काम किया। देखो मेरा जो है खाली विरोध के लिए विरोध करना मेरा मकसद नहीं है, अच्छा कार्य करेंगे तो उनकी सराहना करूंगा, लेकिन अब तक तो कुछ किया नहीं, कुछ करेंगे तो जरूर बताऊंगा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।